अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तलहा और आप देख रहे हैं लेटेस्ट पोन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ये पोन आजकल ख़रीदना चाहिए या नहीं, क्या ये पोन अच्छा है या नहीं, ये इसमें क्या क्या मसले हैं। तो ये पोन चूँकि बहुत अच्छा पोन है, इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आप एक गेमर है तो आप इस पोन को बिल्कुल ही मत ख़रीदे, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आप बेशक इसे ख़रीद सकते हैं। क्या ये पोन गेमर के लिए अच्छा है या नहीं, क्यों अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप एक गेमर हो तो आपके लिए ये पोन बहुत ही घटिया किस्म का पोन है, क्योंकि ये पोन बहुत ज़्यादा कम बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। ये पोन 2 घंटे से ज़्यादा बैटरी बैकअप बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करता। मैंने इसे यूज़ किया था, लेकिन मैंने इस पे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम भी खेला, पबजी मोबाइल भी खेला, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल बैटरी बैकअप प्रोवाइड नहीं करता। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आप इसे ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर आप एक गेमर हो तो आप इस फ़ोन का बिल्कुल ही मत सोचिए। ये फ़ोन आपके लिए बहुत ही बुरा है। अगर आप बैटरी के लिहाज से अच्छा फ़ोन चाहते हैं तो आप ए सीरीज़ में ले लें, सैमसंग A51 जो अभी अभी लॉन्च हुआ है तो आप उसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बैटरी नहीं चाहिए, आप एक नॉर्मल यूज़र है तो आप इसे ले सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे बुरी चीज़ जो लगी वो है इसका बैटरी बैकअप। अगर आप गेमर हो तो आप इस पे 2 घंटे से ज़्यादा गेम नहीं खेल सकते। परफॉर्मेंस के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस का क्या करना है। अगर 2 घंटे तक ये बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं तो 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा कम है। आपको कम से कम 4 घंटे या 3 घंटे तो आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड करना चाहिए ना फ़ोन को। तो अगर आपको 2 घंटे से ज़्यादा बैटरी बैकअप ये फ़ोन प्रोवाइड नहीं करता तो आपने इस फ़ोन का क्या करना है। तो आप अगर एक गेमर हो तो आपने इस फ़ोन को बिल्कुल ही नहीं ख़रीदना। तो मैंने आपको ये सजेशन दिया, अभी आपकी मर्ज़ी। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इसका मसला बता दिया, क्योंकि ये बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा कम प्रोवाइड करता है। तो आपको मैं एक सजेशन देता हूँ कि आप सैमसंग A51 को भी ले सकते हैं, बहुत से फ़ोन है, बैटरी बैकअप भी सही प्रोवाइड करता है, अच्छा प्रोवाइड करता है, और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी नॉर्मल है ना। तो आप अगर इस फ़ोन को आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये फ़ोन कितना बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।